नमस्कार किसान साथियों, मैं एमएल गोदारा, एग्रीकल्चर नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, अभी आप देख सकते हो बाजरे की फसल में जो ये स्प्रिंकलर फुहारे हैं वो लाइन है, वो चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो में। आज मैं वीडियो में बाजरे से संबंधित कुछ आपको रोचक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आप बाजरे की खेती कर रहे हो या करी हुई है, या फिर बाजरे की खेती जो अभी हाल फिलहाल करने वाले हैं, तो आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आएगी। अभी जो आप देख सकते हो लास्ट स्टेज है, मतलब ये बाजरे की फसल है वो पककर तैयार होने वाली है कुछ ही दिनों में। जैसे आप देख सकते हो पूरी तरीके से दलाना है जो सिट्टे में भरा हो चुका है, ये आप देखिए, मतलब दाना है वो पूरी तरीके से भर चुका है। और भी मैं आगे आपको बताता हूँ, जैसे ये पूरा पूरा पौधे, जैसे ये आप देख सकते हो पूरे सिट्टे, पूरे की पूरी दाना है जो भरा हुआ। सबसे पहले तो आप दोस्तों ये कमेंट करके बताएं कि हमारे जो सिट्टों में दाना है वो किस तरीके से, कैसे है, ज़्यादा है, कम है, साइज़ कैसी है। और दूसरी बात दोस्तों, खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नई नई रोचक जानकारियाँ खेतीबाड़ी से संबंधित मिलती रहे। तो दोस्तों, ये लगभग 10 से 15 दिनों में बाजरे की फसल है वो पककर तैयार हो जाएगी। और अभी इसमें पानी चल रहा है लगभग एक, या इससे बाद लगभग एक पानी ही दोस्तों आएगा, क्योंकि अभी 10-15 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे मेन और ज़रूरी बात, बाजरे की फसल में लास्ट स्टेज में आपको बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय दोस्तों दाना भरा भी होता है और दाना जो है लू लगने की काफ़ी जो संभावना होती है। अगर गर्म हवाएं तेज़ चल रही है तो लू भी लग सकती है, तो दाना है वो विकसित नहीं हो, सीधा आपके उत्पादन पर असर पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों ख़ास तौर पर ध्यान ज़रूर रखें लू लगने से किस तरीके से कैसे बचाए। और दूसरी मेन बात, आप इस समय अगर जैसे ये दाना है, मतलब अभी पूरी तरीके से सीटों में दाना हो चुका है, तो इस समय आपको ख़ास तौर पर पानी का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लास्ट स्टेज में अगर दोस्तों आपने 5 या 7 दिन बाद जो है पानी थोड़ा लेट कर दिया और पानी की सख्त ज़रूरत हो गई, तो ये दाना है जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा, जो आप मनचाह उत्पादन नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले दोस्तों, जैसे पहले पहले अवस्था में आप पानी का फेरबदल कर सकते हैं, मतलब 2 या 4 दिन आगे पीछे हो सकता है तो चलेगा, परंतु जैसे ही पकने की अवस्था आती है लास्ट स्टेज में, आपको समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पानी देना है। पहले देते थे उससे आप ज़्यादा दे सकते हैं। फिर आप देखिए बाजरे का उत्पादन किस तरीके से कैसे होता है, और आप देख सकते हो सिट्टे की जो साइज़ है वो लगभग 1 फीट से, सारे के सारे सिट्टे हैं वो 1 फीट से लंबे है। ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, पायनियर जो है वेराइटी है, लू लगने से आप किस तरीके से बाजरे की फसल को बचा सकते हैं। तो दोस्तों मेन, सबसे पहले जैसे आप मेड़ पे इस तरीके से, जैसे मान लो दक्षिण दिशा की ओर से लू आ रही है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे कोई भी दूसरी फसल इसके पास में लगा दे, जैसे ज्वार हुई, कोई भी कैसे भी मक्का हुआ, तो क्या होगा दोस्तों, लू लगने से इनको बच सकता है। अगर इसमें लू लग गई तो दोस्तों ये दाना है वो पूरी तरीके से, जैसे ये पूरा भरा हुआ है, तो वो दाना इसमें लगेगा, मतलब विकसित ही नहीं होगा, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सिट्टा वो आपको खाली ही नज़र आएगा लू लगने के कारण। इसलिए आप ख़ास तौर पर ध्यान ज़रूर रखें, आप थोड़ी सी मेड़ पर जो दूसरी फसल लगा दे तो इससे लू लगने से बचा सकते हैं। और दूसरी मेन बात यही, पानी की आप व्यवस्था रखें। और एक वीडियो में और आगे लाऊंगा कि आप प्रॉपर तरीके से किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल है वो कटने के लिए तैयार है या फिर पक चुकी है, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा और थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे देता हूं। जैसे ये ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से झड़ जाएगा, एकदम पूरा सिट्टा है वो साफ़ हो जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि हमारी फसल काटने के लिए तैयार है। और दोस्तों अभी जो है इसमें और कुछ खाद फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी किसान भाई कैसे बोल रहे हैं कि इसमें हम लास्ट स्टेज में हम पोटास दें तो हमारे दाने का विकास होगा, इस तरीके से होगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें बाजरे की फसल में ज़्यादा खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें और बाकी किसान भाइयों को शेयर भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद दोस्तों।